बीती 4 और 5 सितंबर की रात को करनाल में एक महिला की हत्या हो गई थी। हालांकि अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया है। करीब 2 माह के बाद आरोपी टिंकू पुलिस के हत्थे चढ़ा है। जानकारी के अनुसार 4 और 5 सितंबर की रात को पुलिस को नग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला था। शव मिलने के बाद पुलिस आरोपी को ढूंढने में जुट गई थी। महिला की शिनाख्त ना हो पाने के कारण पुलिस को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन जिस दुकान के बाहर महिला का शव पड़ा मिला था, वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल तेज कर दी और आरोपी को काबू कर लिया। इस मामले में डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज हरजिंदर सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आरोपी और महिला के बीच पहले भी शारीरिक संबंध रहे हैं। घटना वाले दिन जब महिला ने इस काम के लिए मना कर दिया तो आरोपी ने उस पर ईंट और बांस से वार कर दिया, जिससे महिला की मौत हो गई। तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं मौजूद हूं डिटेक्टिव स्टाफ के अंदर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि पिछली 5 सितंबर को एक मर्डर हुआ, एक महिला का मर्डर हुआ था, जिसको डिटेक्टिव स्टाफ ने सुलझा लिया है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उस पर आरोप है कि उसने महिला की हत्या की है। बताया यह भी जा रहा है कि यह व्यक्ति पेशे से पेंटर है, दिहाड़ी मजदूरी का काम करता है और उस महिला पर एक महिला से संबंध बनाने के लिए उसको विवश कर रहा था। बात न मानने पर उसके द्वारा महिला की हत्या कर दी गई। अब डिटेक्टिव स्टाफ तकरीबन दो महीने के बाद इस पूरे मामले को सुलझा लिया गया। हाँ जी सर, सर सर क्या है पूरा मामला? देखिए, करीब 4 और 5 सितंबर की ये बात है। एक मर्डर हुआ था नॉवल्टी रोड पे, जो 5 तारीख को मुकदमा दर्ज था सिटी थाना में। 517 नंबर FIR थी, 302 का, जो अपने आप एक ब्लाइंड मर्डर था, एक लेडीज़ का मर्डर था और वो बिल्कुल एक न्यूड हालत में मिली थी, जो कि उसी को देखते हुए वो साहब ने SP साहब ने संज्ञान में मामला लेते हुए वो फाइल ट्रांसफ़र की डिटेक्टिव स्टाफ को, जो कि हमने जैसे ही हमारे पास फाइल आई, हमने उसमें कुछ फोटो, जो कुछ थोड़ी बहुत फ़ोटो थी जो वहाँ से करके क्ल्यू और ढूंढा। और अभी एक ये लड़का है जो टिंकू नाम का मिला है, जिसने उस रात को दारू के नशे में, जिसके पहले से भी उस लेडीज के साथ रिलेशन थे और उस रात को भी उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की, ये दारू के नशे में था। जब उसने इसके साथ रिलेशन बनाने से मना किया तो इसने उसका गला दबाकर और सिर में ईंट मारकर उसका जो मर्डर कर दिया। सर, आरोपी अब तकरीबन कितने समय के बाद काबू आया है ये इसके लिए, मतलब आपको क्या क्या मुश्किल करनी? देखिए, करीब 2 महीने की बात है, ये 4 और 5 सितंबर का मामला है और ये आरोपी करीब 2 महीने के बाद कल पुलिस की हिरासत में आया। फिर इसको कहाँ से अरेस्ट किया गया? इसको इसके घर से, नॉवल्टी रोड के पास इसका घर गौशाला रोड पर है, वहीं से इसके घर से जो शिनाख्त करके एक छोटी सी एक वीडियो क्लिप हमें उस दिन मिली थी जिस दिन ये मर्डर हुआ था। एक वीडियो में थोड़ा सा फुटेज में आता है जहाँ ये उस लेडीज़ को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा है, तो जो उसी की आइडेंटिफाई करते हुए हमने अपनी टीम का गठन किया था। ये SI अपना हिम्मत सिंह और विनोद कुमार की उसमें भेजा था। जैसे उस फोटो को दिखाते हुए उस कॉलोनी में, उस बस्ती में घूमते रहे तो किसी आदमी ने उसको आइडेंटिफाई किया कि ये वो आदमी है, टिंकू नाम का शख्स है, जिसे लाने पर पूछताछ पर उसने इस बात कबूल किया और बताया उसने, और वो जगह भी उसने आइडेंटिफाई कराई जहाँ उन्हें मर्डर किया, जहाँ से उठाई थी। महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। नहीं, पहले वो नशे में थी लेडीज़ भी, ये भी नशे में था, उसको उठा के यहाँ लेके जहाँ सो इसकी डेड बॉडी मिली है वहाँ पर मर्डर किया था। देखिए, मैं आपको बता दूं कि किस तरह से SHO हरजिंदर सिंह जी ने हमें विस्तार से पूरी जानकारी दी कि किस तरह से उस महिला की हत्या कर, महिला को मारा गया था। वह महिला भी नशे की हालत में थी और वह व्यक्ति भी नशे की हालत में था, टिंकू जिसका नाम बताया जा रहा है। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल लिया और जगह को भी आइडेंटिफाई कर लिया है। तकरीबन 2 माह के बाद इस पूरे मामले को सुलझाया गया, जिसके लिए करनाल पुलिस की पूरी तरह से प्रशंसा की जा रही है। पीछे मैं आपको बता दूँ कि पिछले काफ़ी समय से करनाल पुलिस लगातार सराहनीय काम करती आ रही है। कई ऐसे मामलों को सुलझाया गया जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े थे, लेकिन इस मामले को सुलझाकर, जिसकी कोई अभी तक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई, जिसके लिए किसी का एक अनजान व्यक्ति ने कंप्लेंट की थी, उसके बिहाफ पर ही पुलिस ने यह मामला आइडेंटिफाई किया, अपने संज्ञान में लिया और उसके लिए जानकारी तफ्तीश शुरू की। करीब 2 माह के बाद आरोपी को पकड़ा गया है, उसके घर से उसको पकड़ा गया है। महिला की शिनाख्त फिलहाल अभी तक नहीं हो पाई। अब आरोपी को रिमांड पर भेजा जाएगा, यह ऐसी जानकारी हमें SHO हरजिंदर सिंह ने दी है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं
incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.